हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं दी हिल्स हैव आईज मूवी के बारे में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आएगी, और पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, यूनाइटेड स्टेट ने 1945 से 1962 के बीच बहुत सारे न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, जिससे आसपास मौजूद लोगों के रेडियो एक्टिव होने की वजह से बहुत सारे बदलाव हुए। लेकिन गवर्नमेंट इस चीज़ को अब भी नकारती है, और ये सारे टेस्ट मेक्सिको के रेगिस्तान में किए गए थे। इसलिए अब भी कुछ वैज्ञानिक वहाँ पर इस चीज़ की जाँच कर रहे हैं कि आज भी वो रेडियो एक्टिव है भी या नहीं। पर तभी उन पर वहाँ रहने वाले लोकल लोगों ने अटैक कर दिया और उन्हें अपनी गाड़ी से बांधकर घसीटते हुए वहाँ से ले गए। लेकिन यहाँ पर रहने वाले लोग हमेशा से ऐसे नहीं थे, बल्कि न्यूक्लियर टेस्ट के बाद इनकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई और इनके अंदर जेनेटिक बदलाव हुए जो काफी घिनौने किस्म के थे। इसी दौरान हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जो इस एरिया से गुजर रहे थे, जो कि गैस के लिए गैस स्टेशन पर रुकते हैं। इस फैमिली में बिग बॉब, उसकी वाइफ एथल, छोटी बेटी बैंड्रा, बेटा बॉबी, बड़ी बेटी लायन और उसका पति डग और एक छोटा बच्चा होता है। इस दौरान लोगों के फोन में सिग्नल नहीं आ रहे थे, जिस चीज से डग काफी परेशान था। फिर गैस स्टेशन का ओनर बिग बॉब को बताता है कि यहाँ से एक दूसरा रास्ता भी जाता है जो आपको आसान पड़ेगा और आप जल्द ही शहर तक पहुँच जाओगे। ये जानकर वो लोग गैस स्टेशन के ओनर के बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़ने लगते हैं। जब वो आगे बढ़ रहे होते हैं तो रास्ते में बिछे हुए ट्रैप से उनकी गाड़ी पंचर हो जाती है, साथ ही गाड़ी का भी एक्सीडेंट हो जाता है। हालांकि इस दौरान वो सभी सही सलामत थे, और क्योंकि उन लोगों के फोन में सिग्नल नहीं था, इसलिए वो किसी से भी मदद नहीं मांग सकते थे, जिस वजह से वो सभी लोग कुछ देर वहीं पर रुकने का फैसला करते हैं, क्योंकि बिग बॉब और डग दोनों मदद ढूंढने के लिए अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। और डरने की बात ये थी कि उन सभी पर कोई नजर रख रहा है। फिर डिनर के वक्त उनका डॉग फिर से वहां से भाग जाता है, इसलिए बॉबी उसके पीछे जाता है। लेकिन कुछ देर जाने के बाद उसे अपना डॉग बहुत ही बुरी हालत में मरा हुआ दिखाई देता है, जिससे बॉबी घबरा कर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक ऊंची पहाड़ी से गिरने की वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी उसके पास वहां रहने वाली एक लोकल लड़की पहुँचती है, जिसका चेहरा काफी अजीब था। इस दौरान वहाँ का एक लोकल आदमी पहाड़ी पर बैठा हुआ मरे हुए डॉग को कच्चा ही नोच नोच कर खा रहा होता है, और ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा भयानक दिखाई दे रही थी। दूसरी तरफ डग जब आगे बढ़ता है तो उसे बहुत बड़ा गड्ढा दिखाई देता है, जहाँ कई गाड़ियां पड़ी हुई थी जिनकी कंडीशन हद से ज्यादा खराब थी। इधर बिग बॉब वापस से गैस स्टेशन पर पहुँचता है और हेल्प के लिए गैस स्टेशन के ओनर को आवाज लगाता है, पर उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता। इसलिए वो आसपास की चीजें चेक करता है तो उसे बैग में कटा हुआ कान मिलता है, जिससे वो डर कर अपनी गन बाहर निकाल लेता है। फिर एक रूम में पहुंचने पर बिग बॉब को पता चलता है कि माइनिंग करने वाले सभी लोग न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से बदल चुके हैं, और अब वो जानवरों की तरह ही कच्चा मांस खाते हैं। ये जानकर बिग बॉस गाड़ी चुरा कर वहां से भागने की कोशिश करता है। तभी उसे गैस स्टेशन का ओनर बाथरूम में पड़ा हुआ दिखाई देता है, इसलिए बिग बॉब उसके पास पहुंचता है तो उसके सामने ही गैस स्टेशन का ओनर खुद गन से शूट करके मार लेता है। ये सब देखकर बिग बॉब घबरा कर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी में मौजूद एक म्यूटेंट उस पर हमला करके उसे घायल कर देता है और उसके साथ माइन के अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ ब्रेंडा भी बॉबी के वापस ना पहुंचने की वजह से उसे ढूंढती हुई उसके पास पहुंच जाती है और उसे वापस वैन तक ले आती है। तभी उन लोगों को बाहर किसी के होने का एहसास होता है, इसलिए बॉबी चेक करने के लिए वहां पर जाता है तो देखता है कि उसका दूसरा डॉग भी वहां से गायब हो चुका है। इस दौरान डग सही सलामत वापस आ जाता है, इसलिए बाकी लोग काफी खुश होते हैं। लेकिन बॉबी काफी परेशान था, जिस वजह से बॉबी वैन के अंदर पहुँच कर उसे अच्छे से लॉक कर लेता है। हालांकि वो ये भी चाहता था कि सभी लोग एक ही जगह वैन में इकट्ठा होकर आराम करें, लेकिन डग इस बात के लिए इनकार करते हुए अपनी वाइफ के साथ गाड़ी में सोने के लिए चला जाता है। इधर बॉबी अपने डॉग की आवाज सुनकर उसे ढूंढने के लिए चला जाता है। तभी एक म्यूटेंट ब्रेंडा के पास पहुंच जाता है और उसे बहुत ही अजीब तरीके से छूने लगता है। दूसरी तरफ बॉबी को भी उस म्यूटेंट की झलक दिखाई देती है, इसलिए वो भागते हुए डग के पास पहुंचकर उन्हें म्यूटेंट के बारे में बताता है, जिससे वो दोनों अंदर जाने लगते हैं। पर वैन के अंदर मौजूद म्यूटेंट रेडियो की मदद से बिग बॉब को जलाने लगते हैं, जिसे देखकर
सब लोग ब्रेंडा को अकेले ही छोड़कर आग की तरह भागने लगते हैं, लेकिन अब इस चीज़ का कोई भी फायदा नहीं था क्योंकि उन लोगों के पहुँचते ही पहुँचते बिग बॉग पूरी तरह से जल चुका था। इधर वैन में म्यूटेंट का दूसरा साथी भी पहुँच जाता है जो एक तोते का सर काटकर उसका खून पीने लगता है, जिसके बाद वो पहले म्यूटेंट को ब्रेंडा से दूर कर देता है और खुद उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। तब तक वहाँ पर लायन पहुँच जाती है जो अपने बच्चे को उस म्यूटेंट के हाथ में देखकर उस पर हमला करने की कोशिश करती है, पर वो म्यूटेंट बच्चे के ऊपर गन रखकर लायन को भी असॉल्ट करने की कोशिश करता है। तभी एथन वहाँ पहुंचकर उस म्यूटेंट पर पत्थर से अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन वो म्यूटेंट उसे शूट कर देता है और इन सब चीज़ों की झड़प में लायन को भी शूट कर देते हैं और बाकी लोगों को अपनी तरफ आता हुआ देखकर वो म्यूटेंट वहाँ से भाग जाते हैं। इसलिए डक के वैन में पहुँचने पर उसे अपनी वाइफ मरी हुई मिलती है, साथ ही उसका बच्चा भी वहाँ पर मौजूद नहीं था। फिर अगली सुबह डग अपने साथ डॉग को और हथियार लेकर माइन की तरफ जाता है। दूसरी तरफ बॉबी और ब्रेंडा एक ट्रैप तैयार करते हैं जिससे वो म्यूटेंट का सामना कर सके। तभी हम देखते हैं कि डग उन म्यूटेंट के टाउन में पहुंच जाता है तो वहां उसे एक रूम में अपना बच्चा दिखाई देता है, जिसे लेने के लिए वो धीरे धीरे घर के अंदर घुसने की कोशिश करता है और अपने बच्चे को लेकर चुपचाप वहाँ से निकलने लगता है। लेकिन घर के अंदर मौजूद म्यूटेंट उस पर हमला कर देती है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो खुद को एक बहुत बड़े टैंक के अंदर पाता है जिसमें काफ़ी सारी डेड बॉडीज पड़ी हुई थी, जिन्हें देखकर वो काफ़ी घबरा जाता है और दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश भी करता है, जिस चीज़ से वो कामयाब भी हो जाता है। फिर वो एक बेसबॉल बैट लेकर बचते हुए आगे बढ़ता है तो उसे एक आदमी मिलता है जो कि म्यूटेंट में बदलने की वजह से पूरी तरह से अपने शरीर से अपाहिज हो चुका था। वो डग से कहता है कि आज हम जैसे भी हैं उसकी वजह कोई और नहीं बल्कि तुम लोग ही हो, तुम लोगों ने यहाँ पर रेडिएशन फैलाया और हम इस तरह के बन गए। तभी वहाँ एक दूसरा म्यूटेंट पहुंचकर डग पर हमला कर देता है। उसी दौरान वहाँ पर डग का डॉग पहुंचकर उस म्यूटेंट पर अटैक कर देता है, जिससे डग बचकर एक दूसरे रूम में छुप जाता है। लेकिन वे म्यूटेंट वहाँ भी पहुंच जाता है और डग को जान से मारने की कोशिश करता है। हालांकि डग बेसबॉल बैट से उस म्यूटेंट पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो डग पर लगातार हमला करने लगता है, जिससे उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इसके बावजूद डग मौका पाते ही एक नुकीली चीज़ से उस म्यूटेंट के पैर पर हमला करके कुल्हाड़ी की मदद से उस म्यूटेंट को बेरहमी से मार देता है। फिर डग बाहर आता है और दूसरे म्यूटेंट को भी जान से मार देता है। तभी वो देखता है कि एक म्यूटेंट उसके बच्चे को लेकर जा रही है, इसलिए वो भी उसके पीछे पीछे भागता है। दूसरी तरफ गाड़ी में रखी हुई एथन की डेड बॉडी गायब हो जाती है, इसलिए बॉबी ब्रेंडा को वहीं रुकने के लिए कहकर अपनी मॉम के बॉडी के बने हुए निशान को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है तो देखता है कि एक म्यूटेंट उसकी मॉम की डेड बॉडी को नोच नोच कर खा रहा है, जो कि बॉबी को देखकर उसका पीछा करने लगता है। इसलिए बॉबी भागते हुए वैन में पहुंचता है जहां उसकी सिस्टर ने पहले से ही गैस सिलेंडर ऑन किए थे, जिससे जब वो म्यूटेंट वैन का दरवाज़ा खोलकर अंदर घुसने की कोशिश करता है तो माचिस लगी होने की वजह से पूरी वैन ब्लास्ट हो जाती है। तभी डग भी उस म्यूटेंट लड़की के पास पहुंच जाता है जो उसके बच्चे को लेकर भाग रही थी, लेकिन डग पर एक दूसरा म्यूटेंट आकर पीछे से अटैक कर देता है। ये देखकर म्यूटेंट की लड़की वापस से बच्चे को लेकर वहां से भागने लगती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके परिवार वाले उस बच्चे को कोई भी नुकसान पहुंचाएं। इसलिए दूसरा म्यूटेंट उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन डग इसी मौके का फायदा उठाकर लगातार हमला करते हुए उस म्यूटेंट को बेरहमी से मार देता है। इसलिए वो दोबारा से उठकर डग को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ खड़ी म्यूटेंट लड़की उसे लेकर पहाड़ से नीचे कूद जाती है, जिससे डग और उसके बच्चे की जान बच सके। जिसके बाद डग बॉबी और ब्रेंडा के पास पहुँच जाता है, जिसे जिंदा देखकर वो दोनों ही काफ़ी खुश होते हैं। लेकिन अभी भी कोई उन लोगों पर नज़र रख रहा था। इससे पता चलता है कि अभी भी म्यूटेंट परिवार में से कोई ना कोई उन तीनों को मारना चाहता है। इसी के साथ ये मूवी यहाँ ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट्स करके ये मत बताना भूलिएगा कि आप इसके आगे के पार्ट्स देखना चाहते हैं या नहीं। थैंक्स फॉर कमिंग एंड वॉचिंग।